ये पूरा यार ये ट्रक गया। अब ड्राइवर यार पता नहीं जिंदा है कि मर गया। सामने का व्यू देखो, सामने का लेगी ना, वो नहीं घाट उतरते समय ना प्रेशर का सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट मैन। वैसे भाई वीडियो ना लास्ट तक जरूर देखना, सच बताऊं ना बहुत खतरनाक घाट था, रिक्शी था। वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा। हे गाइस गुड मॉर्निंग, यार आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो रात में भाई आके ना बीकानेर जो कि राजस्थानी होटल है आके रुक गए थे इसी पे, और सामने अपना पुणे और नासिक हाईवे। और भाई ये गाड़ी लगी पीछे हमारी दो, और एक गाड़ी उस बाजू में लगी है। तभी यहाँ पे दो गाड़ी रात में आके लग गई। और भाई कहीं कहीं पे ना पार्किंग भाई पीछे होती है, और कहीं कहीं पर सामने ही होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे रास्ता बना हुआ है खाली बस पार्किंग के लिए। उधर से आती हैं गाड़ियाँ आराम से पार्किंग, यहाँ पे आराम से अंदर लग जाती हैं क्योंकि आगे भी थोड़ा पार्किंग अच्छा खासा है। तो गाइस अभी के लिए ना फ्रेश व्रेश होके मस्त रेडी है, और एक उस्ताद हमारे जो हैं वो अभी जस्ट उठे हैं, अभी फ्रेश व्रेश हो रहे हैं, फ्रेश व्रेश होके फिर उसके बाद चाय वगैरह पी के तब नासिक पार करेंगे। और इस टाइम हम हैं सिन्नर में, तो सिन्नर भी हैं, अभी सिन्नर से निकलेंगे सीधा नासिक जो कि यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर लमसम होगा। तो गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो। अब यार यहाँ देखो मकई, ये मकई आपको मक्का पता होगा भुट्टे, तो वो भाई वो चीज़ है। तो अभी कहीं कहीं पर ऐसे बाल मतलब बाल पड़े हैं, और कहीं कहीं पे ना ये कंप्लीट उग चुका है, खाने लायक हो चुका है। क्योंकि हम लोग ऑल इंडिया घूमते रहते हैं तो हम लोगों को पता चलता रहता है किस जगह पे और कौन सी लोकेशन पे क्या चीज़ अवेलेबल है और क्या चीज़ नहीं। तो यहाँ पे देखो अभी उगा रहे हैं और कहीं कहीं पर उग गया है। और यहाँ पर देख सकते हो कैसे मानी जगह जगह पे हम लोग इधर रहता है, यहाँ पे एक ही जगह पे ज़्यादा ज़्यादा दाने हैं यानी उग रहे हैं। तभी फाइनली हमारी दोनों गाड़ी भाई आ गए हम नासिक शहर में। और पहले गाड़ियाँ यहाँ पे रुकी हैं क्योंकि आगे सिग्नल है, तो अभी हमें यहाँ से मारना है ड्राइवर साइड, आगे से अपने को ड्राइवर साइड लेना है क्योंकि आगे ना नो एंट्री का बोर्ड है, तो नो एंट्री लग जाती है। अभी भाई सिग्नल हो गया है, आराम से निकलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो नो एंट्री प्रवेश बंद निषेध ऐसा लिखा हुआ है। अभी सीधा निकलते हैं, अभी आगे से अपने को ड्राइवर साइड मारना है। फिर तभी सामने हमारा आ गया टर्निंग पॉइंट जहाँ से हमें ड्राइवर साइड लेना है, बाईपास मारना है जो कि शहर के अंदर नहीं जाने देगा, आधा शहर के अंदर घुस चुके हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर बाद अपना हाईवे है पर ये बाईपास लगता है, तो इसके लिए इसके वजह से बड़ी गाड़ियाँ जो है ना सिटी में नहीं जाएंगी, बारी बार से हम सीधा हाईवे निकल जाएंगे। चलो फिर चलते हैं फिर हाईवे पे बाईपास मार के। तो दो गाड़ी यहाँ पे, एक गाड़ी वहाँ पे, क्या रुके थे यहाँ पे ना पैसे निकालने के लिए, क्योंकि HDFC से निकालते तो उनमें क्या चार्ज नहीं करता, अदर अकाउंट से निकालेंगे ना तो चार्ज करता है। इसके लिए भाई जहाँ कि 10 पे बचाते हैं तो HDFC का अपना सही रहता है। तो अभी निकलते हैं आगे,
क्योंकि आगे चल के उसके बाद नाश्ता वास्ता देखेंगे क्या कर रहे हैं उस्ताद, क्योंकि भाई तीन गाड़ी साथ में है ना, दो गाड़ी तो ऐसे क्या आराम से चलते हैं भाई। ये अभी लोगो लगाया देखो सही है, धूप यार बड़ी तगड़ी लग रही है। अभी भी भाई सिंगल रोड मिल गया और यहाँ पे देख सकते हो फलाना ढिकाना ढिकाना दुकाना क्या क्या लिखा है अब समझ जाओ। और यार ये पहाड़ी इलाका है, पूरा चढ़ाई चढ़ाई अभी देख रहे हो और चढ़ाई चढ़ाई में चल रहे हैं। और यार अभी धूप जिस हिसाब से हो रही है ना, अच्छा खासा गर्म भी है। तभी रामसेज किला यहाँ से 3 किलोमीटर है, तो आप भाई यहाँ के रहने वाले हो तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि रामसेज किला कहाँ पे है। भाई राइडर रामसेज किला कहाँ पे है और कौन सी जगह पे? और ऊपर देख सकते हो यार गाड़ियाँ खड़ी है पहाड़ के ऊपर, यहाँ पे कोई नई MIDC वगैरह होगी, मतलब इंडस्ट्रीज एरिया बोलते हैं ना, वही समझ जाओ। क्योंकि भाई पढ़ा लिखा कम हूँ इसके लिए थोड़ा कम बोल पाता हूँ। देखो लिखा है धूमल इंडस्ट्रियल। ओ भाई पूरा सिंगल रोड, अभी ना थोड़ा नॉर्मल हो गया, गियर अप डालते हैं, 4 नंबर आराम आराम से चलते रहो भाई। और लगता है इसी के ऊपर किला, ओ भाई किला हुआ रहा, पकड़ो भाई किला को, भाई वो किला है। वो सामने ऐसे जगह ना यार बहुत मस्त है, कहीं कहीं से ऐसी जगह मिल जाती है ना भाई, वो सब भाई वो सब। सिंगल रोड तो है ही भाई और ऊपर से आनंद भी आ रहा है चलने में, क्योंकि भाई सामने अपना पहाड़ इस साइड में और इस साइड में देख सकते हो भाई काला काला पहाड़, और इस पे भी कुछ घर वगैरह हैं जैसे कि किला वगैरह, और सामने उधर उस साइड में पहाड़ है ना उस पे भी कुछ किला वगैरह का आकृति दिखाई दे रही है। और ये तो भाई देख सकते हो, और पहाड़ जितने भी यार दिख रहे हैं ना सारे काले काले दिख रहे हैं, सारे काले काले, ये काले काले क्यों यार? अभी देखो अभी गाड़ियाँ आगे से टर्न ले रही हैं, तो घूम के मेरे हिसाब से पहाड़ की उस साइड से उधर उस पहाड़ के साइड में ना गाड़ी जाएगी। चलो पहले घूमते हैं देखते हैं कहाँ जाती है गाड़ी। अभी देखो फाइनली यहाँ का व्यू, वो भाई बाहर का व्यू तो और बढ़िया है। सीन्स है भाई, क्या सीन्स है सच में यार, बहुत मजा आ रहा है क्योंकि नए नए सीन देखने को मिलते हैं ना, नई नई जगह और खतरनाक, वो वाला भाई सीन्स। अभी होटल पे भाई रुक चुके हैं, दो गाड़ी अपने सामने है और एक गाड़ी ये आ गई भाई, धूल उड़ रही है तो डाल देंगे भाई। भाई लगाते हैं देखते हैं, यहाँ पे वैसे टाइम अपना हो गया है 11:10, अभी देखते हैं खाना वगैरह खाना खाते हैं या नाश्ता। तभी इस गाड़ी को पहले साइड लगवा लें, उसके बाद भाई अपनी गाड़ी को लग गई। अभी नहाना धोना भी भाई कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं होटल की साइड, और सामने है होटल अन्नपूर्णा, तो यहाँ पे खाना वाना खाएंगे। और गाड़ियाँ भाई अपनी अभी आराम कर रही हैं, तो दोनों स्टाफ लोग पहुँच गए, ऑर्डर लेंगे जब तक तब तक हम भी पहुँच जाएंगे यार।
खाना पीना भाई अपना कंप्लीट हो गया। अभी गाड़ी बाहर निकालने की जरूरत थी रोड पे, तो हाईवे सामने है। तो क्या हुआ ना, अब ये उस्ताद देखो, ये उस्ताद अपने गाड़ी रोड पे लगा दिए, जो कि हमारी गाड़ी ये कंधर है। अभी ये दोनों गाड़ियां हटेंगी, उसके बाद ही कहीं ना कहीं अपना ट्राला बाहर निकलेगा। तभी तो वो खाना खाने के बाद निकलेंगे लोग, ये बोल रहे हैं। अभी भाई ये गाड़ी अपनी तो इधर सही लगी है, निकल जाएगी और अपनी भी निकल जाएगी, पर वो गाड़ी ना फंस गई। अभी अपना इंजॉय करो पार्किंग का और इस जगह का। देखो भाई ये होटल लेता है, अनुपूर्णा होटल है, और जगह देखो काफ़ी बड़ी है, और गाड़ियाँ गाड़ी लगी बड़ी गाड़ी गाड़ी। और वैसे ना धूप बहुत ज़्यादा है इधर और गर्मी भी लग रही है, और खाना खाए थे हम लोग 12 बजे से, अभी इस टाइम 3 बज रहा है। और थोड़ा सा आराम के लिए ना कसम से बता रहा हूँ, बहुत यार अच्छी खासी नींद आई थी, बहुत अच्छी खासी। अभी क्या करें, काम पे निकलने का टाइम है यार, अभी काम से अपना निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो यार मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि सफ़र भी अपना काटना है ना। वैसे हवा बहुत चल रही है अब तो, आवाज़ जिस टाइम दे रही होगी खा रही थी अभी यार, वो समझिए पहले देखो। अब मुझे ना कहीं भी रहता हूँ, मुझे ये व्यूज़ देखने में बहुत मज़ा आता है, आप लोगों को इसलिए ना ऑल इंडिया ट्रेवल करता रहता हूँ, तो आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। अच्छी है अभी तो फिलहाल भाई, जगह का नाम तो नहीं पता ठीक, क्योंकि ज़्यादा करके हम लोग मेन नाम यूज करते हैं ठीक है, और लोकल नाम बहुत कम यूज करते हैं। पर भाई यार ये सीन देखो, मेरे दिमाग से बाहर है भाई, ऐसे में ऐसे बता दो दिमाग से बाहर ही है यार ये सीन्स। ओ भाई यार बहुत मज़ा आ रहा है, अभी घाट उतर रहा है भाई आराम से ठीक है, प्यार से। वैसे भाई सीन्स बहुत अच्छा है, बाबा रक्षा करना, प्यार से उतरे भाई प्लीज़ भाई यार, सब बताऊँ तो बहुत रिक्सी घाट है और वीडियो भी बना रहा हूँ, प्लीज़ आप भी यार सब्सक्राइब करना और लाइक करना, ज़्यादा कुछ मत करना भाई, मेरे को एक लाइक दे देना, लाइक के लिए ना मज़ा आ जाएगा भाई। और कमेंट में बताना ये सीन जो है ना ये कैसा है भाई, पूरा फुल्ली घाट है यार, खतरनाक वाला। तो भाई अभी देखो सारी गाड़ियाँ यहीं पे हैं, देखो कैसे कैसे गाड़ियाँ उतर रही हैं, अभी आराम आराम से भाई 3 नंबर में उतर रहे हैं, ज़्यादा गाड़ी आगे बढ़ेगी ना प्रेशर उतरेगा तो 2 नंबर में डालेंगे, क्योंकि जब गाड़ी अपनी ज़्यादा स्पीड ओवर होती है ना तो छोटे नंबर में उतरो, और न्यूट्रल तो कभी नहीं मारना चाहिए भाई। अभी मेरा फिलहाल 3 नंबर में है और प्रेशर भी 8 पे है। इसमें घाट उतरते समय ना प्रेशर का सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैन, और बस प्रेशर ही और छोटा गियर ठीक। अभी सामने से गाड़ी आ रही है और सिंगल रोड है भाई, इसके लिए थोड़ा मेरे ट्रेलर है तो भाई चढ़ा के मोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मेरा टायर देख सकते हो। अभी देखो भाई, वैसे भाई ओ भाई प्लीज़ भाई यार रिक्वेस्ट है यार लाइक कर देना, लाइक बस लाइक सही है। और भाई सीन तो यार ओसन है भाई, ओ भाई कहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, ये एक बार सीन देखो भाई कहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं कैसे कैसे। अभी मेरे को 2 नंबर में डालना पड़ेगा क्योंकि आगे ज़्यादा स्लो है और प्रेशर मेरा 7.5 पे आ चुका है, ये लग गया भाई 2 नंबर। अब एकदम गाड़ी ना एकदम स्लो से उतरेगी और कैमरा को कनेक्ट करते हैं माउंट, क्योंकि भाई थोड़ा रिक्सी है।
घाट तरत रहा हूँ, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ यार, बहुत खुशी हो रही है, मजा आ रहा है भाई। प्लीज लाइक तो ठोक देना, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक लाइक चाहिए बस, एक लाइक। वैसे बहुत मजा आ रहा है, सामने का व्यू, सामने का व्यू, और गाड़ी देखो वो ऊपर से आ रही है। अब ये गाड़ी आ रही है ना, अभी इसको देखो, गाड़ी रोक के रखा हूँ, वो आराम से चढ़ जाए। क्योंकि मेरी गाड़ी जब टर्न लेगी ना तो वो नहीं आएगी, मेरी गाड़ी भाई थोड़ा टर्न लगे ना वो पूरा रोड पे आ जाएगी इसके लिए। अभी वो गई, अभी हम नीचे उतरते हैं आराम से, और गाड़ी भाई वो ऊपर से आ रही है, आप देख सकते हो। तो खत्म नहीं हुआ, ऊपर से एक घाट आ गया। अभी देखो गाड़ियाँ कहाँ जा रही है, भाई वो जा रही है गाड़ी, वो जा रही है भाई गाड़ी ऊपर, अगर देखना बढ़िया से देखा तो भाई कोने पे देखो भाई गाड़ियाँ वहाँ चढ़ रही हैं, वहाँ ऊपर वहाँ चढ़ रही है, देख रहे हो ये रास्ता है, और वहाँ ऊपर जा रही है गाड़ियाँ। अभी आराम आराम से भाई चल रहे हैं, हम भी आरपीएम देख सकते हो दो नंबर में। यार ज़्यादा ये वाला वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि वैसे भी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आते वक्त फिर से आपको वीडियो बना के दूँगा अच्छा सा। अभी पहले ना घाट चल लेते हैं सेफ, एक घाट चढ़े और एक घाट उतरे, और वेरी डेंजरस घाट था भाई। और अभी घाट पार करके ना, अभी कौन सा घाट आएगा पता नहीं, अभी ये महाराष्ट्र का बॉर्डर है, तो भाई अभी बॉर्डर पे रुके थे, अब निकल रहे हैं, गाड़ी सामने वाली निकल रही है। वैसे भाई वीडियो ना लास्ट तक ज़रूर देखना, सच बताऊँ ना बहुत ख़तरनाक घाट था, रिक्शी था, और बहुत यार वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा। चलो अभी निकलते हैं आगे। अभी यहाँ पर भाई टायर की गिटक और टायर ठंडा करने के लिए रुक गए हैं, तो तीनों गाड़ियाँ ना लाइन से लगी है फाइनली। अभी एक उत्पाद जी अभी को भाई गिटक निकालने हमारा दोनों थे ना, ज़्यादातर पहले गिटक और निकाल लिए थे, लगभग यहाँ पे 10 मिनट हो गए, तो थोड़े बहुत ना ठंडे हो गए होंगे टायर, तो फिलहाल अभी उस्ताद जी निकाल लें, उसके बाद आगे निकल लेंगे। जगह का नाम जो है ना वो पेट है, तो पेट में है, और धर्मपुर अभी आगे है, तो ये सीधा रोड निकलेगा सूरत। अभी टायर भाई ठुक गया। वैसे गाइस बताऊँ ना, आज का सारा दिन घाटों में गया है, सारा दिन घाट में। अभी यार घाट आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, घाट ही आ जा रहा है बस यार, इसके अलावा कुछ नहीं। वो भी जो चढ़ाई है ना एकदम से खड़ी चढ़ाई है भाई, ये भी नहीं कि चलो ठीक है भाई मतलब थोड़ा चढ़ जाएगी गाड़ी। आप सोचो 50 की स्पीड पे जाके वहीं पे यार, 50 की स्पीड पे मतलब यानी पूरा टॉप गियर, ठीक वहाँ पे जाके यार लो गियर ले रही है,
मेरे हिसाब से 10 सेकंड के अंदर में लो गियर यार, इतना खड़ी चढ़ाई आज हो रही है बताओ यार। सच में जिंदगी में मैं बता रहा हूँ, वैसे ऑल इंडिया ट्रेवल करता हूँ मैंने ट्रक लेके, जिंदगी में पहली बार ये घाट पे आ रहा हूँ, वैसे जिंदगी में पहली बार ही हर एक रोड पे जाता हूँ। अब प्लस घाट पे इतना बड़ा, मतलब ये जो छोटा छोटा घाट है, बड़े बड़े घाट हैं, ये भी पहली बार ही आ जा रहा हूँ भाई। वैसे अभी इधर जंगल एरिया है हर एक तरफ, और घाट जंगल, घाट जंगल घाट। अभी ये सामने से भाई सन डाउन हो रहा है, ठीक। अभी मस्त जंगली जंगली रोड है और मस्त जा रहे हैं, हर एक तरफ पहाड़, हर एक तरफ पहाड़ आप देख ही सकते हो। वैसे भाई आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, शाम के 6:30 बज चुके हैं भाई, और ना सर बताऊँ तो अभी कानून सुन हो गया इसलिए कि भाई अपने जो प्रेशर होता है ना, आपको बार बार बताता हूँ कि प्रेशर जब ख़त्म हो गया तो ब्रेक नहीं लगता, तो भाई प्रेशर मेरा ख़त्म हो गया था और ब्रेक नहीं लग रहा था, तो जैसे तैसे करके गियर में गाड़ी डाल के ना, तो भाई रोका हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा ऊंचाई है अभी देख सकते हो, तो यहाँ पे ऊंचाई है इसके लिए गियर में डाल के यहाँ पे गाड़ी रोक दिया और अभी यार छोड़ दिया हूँ। प्रेशर बनने के बाद ना फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यार पूरा रोड ही चढ़ाई है, पूरा रोड चढ़ाई और उतराई, चढ़ाई उतरो, डाउन अप डाउन अप, पूरा घाट रोड है इसके लिए। अभी यहाँ पे गाड़ी देख सकते हो, गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ है इधर, जो कि पूरा ये कैटरैन बोलते हैं, पतरा बोलते हैं, ये पूरा उलट गया है, जो कि ये भी देखो टायर के निशान दिख रहे ना, ऊपर ले गया पर फिर भी गाड़ी नहीं रुकी, पूरी पलटी खा गई है, देख रहे हो ना पूरी पलटी खा गई है। वैसे भाई मेरा भी ब्रेक नहीं लग रहा था, और इन ये जो जो फोर व्हीलर वाले जा रहे हैं ना, इनसे और रिक्वेस्ट रहेगा भाई, अभी आप भी फोर व्हीलर चला रहे हो ना, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि यार बड़ी गाड़ी को थोड़ा खुला दिया करो, ठीक है, क्योंकि ये जो फोर व्हीलर वाले हैं ना, जिनकी खड़ी गाड़ी होती है या फोर व्हीलर वाले हैं, फिर भी वो फटाफट आ रहे हैं यार आगे आगे, तो ब्रेक लेना पड़ जाएगा ना, जो ब्रेक लेंगे तब भी यार प्रेशर उतरेगा ही, यही हुआ मेरे साथ भी, तभी गाड़ी रोक दिया हूँ, अभी प्रेशर बनने, तो प्रेशर बनने के बाद फिर आगे निकालेंगे। अभी यार इधर डाउनिंग पे रुके हुए हैं, और यहाँ पे करकट देख सकते हो, ये ट्रक पूरा ख़त्म हो चुका है, ये पूरा यार ये ट्रक गया, अब ड्राइवर यार पता नहीं जिंदा है कि मर गया पता नहीं, तो पूरा ट्रक अभी देख सकते हो पूरा ख़त्म है। इसके लिए भाई घाट घूट के ना बहुत आराम से चला करो, ठीक। अभी मेरा प्रेशर डाउन, इसके लिए मैं रुक गया, अभी प्रेशर बन जाएगा उसके बाद भाई निकलूँगा। इसलिए बता रहा हूँ ना, यहाँ से दर्द हो रहा है, यहाँ से यार ब्रेक थोड़े से भी नहीं लग रहे थे, ब्रेक थोड़े से भी नहीं। अभी यार ट्रक का कंडीशन देखो यार, पूरा ख़त्म है। Yeah.